सो दी बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 60,000 rupees इन 2022। अब देखो जो 60,000 का बजट है ना उसमें आपको गेमिंग लैपटॉप भी मिलते हैं, प्रोफेशनल लैपटॉप्स भी मिलेंगे, टच स्क्रीन वाले लैपटॉप्स आ जाते हैं, और या फिर आपने किसी भी हैवी टास्क के लिए, मान लो ग्राफिक कार्ड चाहिए आपको, एडिटिंग वगैरह के लिए आपने लैपटॉप को यूज करना है तो वो भी मिल जाते हैं। एंड इस वीडियो में हर एक यूजर की जरूरत के हिसाब से आपको लैपटॉप 100% जरूर मिलेगा। एंड हर बार की तरह मैंने सिर्फ उन्हीं लैपटॉप्स को अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया है जिनपे मैं खुद अपनी हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो इस वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। एंड इनकेस अगर आपका जो बजट है दैट इज अराउंड 50,000 rupees, तो जो रिसेंटली वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की है तो आप उसे चेक कर लेना। ओके, सो नाउ लेट्स चेक आउट द बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 60,000 rupees इन 2022। तो सबसे पहले ना एक ऑलराउंडर लैपटॉप की बात करते हैं जिसपे आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर सकते हो, लिनोवो थिंकबुक 15। ये एक फुल साइज डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। इसमें 15.6 इंचेस की फुल एचडी आईपीएस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी गई है। एंड लैपटॉप में i5 का एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है 11 जनरेशन, जिसकी बेस क्लॉक स्पीड है 2.4 GHz एंड मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 4.2 GHz। ये एक 4 कोर्स वाला प्रोसेसर है विद 8 थ्रेड्स एंड 8 MB L3 इसकी कैशे मेमोरी है। लेकिन इसकी जो रैम एंड स्टोरेज है ना बोथ आर एक्सपेंडेबल। सबसे पहले तो इसमें आपको 8 GB की DDR4 रैम मिलती है 3200 MHz की, जो कि एक्सपेंडेबल है अप टू 40 GB। एंड उसके बाद स्टोरेज तो 512 GB की M.2 NVMe SSD है इसमें, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लैपटॉप में एक एक्स्ट्रा एम्प्टी स्लॉट मिलती है टू एक्सपेंड दी स्टोरेज। इसके अलावा इंटेल के इंटीग्रेटेड आयरिस ग्राफिक्स हैं, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 एंड इसमें Windows 10 एंड MS Office, ये दोनों चीजें आपको प्री इंस्टॉल मिलती हैं एंड ये दोनों ही आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलेंगी। अब इन सभी पावर पैक स्पेसिफिकेशंस के अलावा भी इसमें बहुत सी एडिशनल चीजें हैं, लाइक बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, फिंगरप्रिंट रीडर ऑन पावर बटन, एंड इसी के साथ में जो विंडोज 11 है उसकी अपडेट आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अब थोड़ा ध्यान दो, इस लैपटॉप के 2-3 वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं एंड एक्चुअली में नॉर्मल सेलिंग प्राइस इसका अराउंड 60,000 rupees है। तो आप इसे तभी कंसीडर करियो जब ये 60,000 के आसपास मिले, नहीं तो कभी कभी ये होता है कि इसी लैपटॉप का जो प्राइस है वो 70,000 rupees तक चले जाता है। एंड इसी सेम स्पेसिफिकेशंस में जिन्हें राइजन प्रोसेसर वाला लैपटॉप चाहिए तो आप HP Pavilion 15 को बाय कर लो। ये HP की प्रोफेशनल सीरीज का लैपटॉप है एंड इसमें आपको 16 GB की रैम मिलती है, साथ में AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर। और बाकी जो इन दोनों में माइनर डिफरेंसेस हैं उन्हें आप वीडियो को पॉज करके चेक कर लो। एंड इन दोनों के जो बेस्ट बाइंग लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं टच स्क्रीन वाले एकदम बेस्ट ऑप्शन की, HP Pavilion X360। अब ये जो लैपटॉप है वो एक टच स्क्रीन वाला कन्वर्टेबल लैपटॉप है। इसमें 14 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले है और इसकी जो डिस्प्ले है उसमें आपको 360 डिग्री की हिंज मिलती है, जिसका मतलब है कि आप इस लैपटॉप के डिस्प्ले को टोटली रोटेट भी कर सकते हो। इसी के साथ में ये लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, लाइक 0-50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट्स में चार्ज हो जाती है। आफ्टर दैट फिंगरप्रिंट रीडर दिया गया है, इसमें बैकलिट कीबोर्ड है एंड इसमें आपको बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट भी मिल जाती है। ये एक इंटेल प्रोसेसर वाला वेरिएंट है, इंटेल कोर i3 11 जनरेशन प्रोसेसर, एंड प्रोसेसर की सारी मेन डिटेल्स आपके सामने है। देखो लैपटॉप में आपको रैम के टोटल 2 स्लॉट्स मिलते हैं एंड सबसे पहले तो आपको इसमें 8 GB की DDR4 रैम दी गई है, जिसमें से 4 GB ऑनबोर्ड रैम है। एंड इसकी रैम स्लॉट्स को यूज करके आप इसमें 16 GB तक रैम को एक्सपेंड कर सकते हो। उसके बाद 512 GB की M.2 NVMe SSD दी गई है, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लैपटॉप में विंडोज 10 एंड MS Office, ये दोनों चीजें आपको प्री इंस्टॉल मिलती हैं एंड ये दोनों ही आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलेंगी। इंटेल USD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 एंड कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको 8.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी इसमें 5-6 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको मिलेगा ऑन नॉर्मल यूजेज। सो आप में से जितने भी यूजर्स को अपनी डेली यूजेज के अकॉर्डिंग एक बिल्कुल ही डिफरेंट एंड यूनिक लैपटॉप चाहिए तो आप इसे जरूर जरूर कंसिडर करना। 60,000 के बजट के अकॉर्डिंग एकदम वन ऑफ द बेस्ट डील है ये एंड इसका जो बेस्ट बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसका भी एक अल्टरनेट ऑप्शन बताता हूँ, लिनोवो आइडियापैड फ्लेक्स 5। इन दोनों ही लैपटॉप्स के जो स्पेक्स हैं वो सभी ऑलमोस्ट सेम हैं, लेकिन जो भी माइनर डिफरेंसेस हैं इन दोनों में वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं। बस लिनोवो वाले लैपटॉप की जो रैम एंड स्टोरेज है वो एक्सपेंडेबल नहीं है, ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी तो ऑलमोस्ट सभी कुछ सेम ही है। तो इन दोनों में से जो भी लैपटॉप आपको पसंद हो उसे आप बाय कर लो। दोनों ही लैपटॉप्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ तो उन्हें आप चेक कर लेना।
नेक्स्ट बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000 रुपीज इज मी नोटबुक प्रो। अब इस लैपटॉप के बारे में आप में से बहुत से यूजर्स ने कहा था कि भाई इसे कंसीडर भी करना चाहिए या फिर नहीं, तो यार आप इसे बिंदास कंसीडर कर सकते हो। एकदम बढ़िया लैपटॉप है ये। लैपटॉप का जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 61,000 रुपीज एंड ये एक 14 इंचेस वाला लैपटॉप है और इसकी जो डिस्प्ले है ना वो एकदम वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है। इसमें आपको 14 इंचेस की 2.5K QHD प्लस IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी गई है, मतलब के 2K रेजोल्यूशन से ऊपर और 4K रेजोल्यूशन से थोड़ी नीचे, और एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है तो ज्यादा लाइट में भी आप इसे यूज कर लोगे इजीली, आपकी आंखों पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। इसमें इंटेल कोर i5 11 जनरेशन प्रोसेसर है, एकदम पावरफुल एंड वन ऑफ द बेस्ट। 3.10 GHz बेस क्लॉक स्पीड एंड 4.4 GHz मैक्सिमम क्लॉक स्पीड। प्रोसेसर में 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स हैं और 8 MB L3 कैश मेमोरी है इसकी। अब देखो इसमें जो आपको रैम मिलती है वो आपको 16 GB की DDR4 रैम मिलती है 3200 MHz की, लेकिन एक चक्कर है कि इसकी रैम को आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, ये एक ऑनबोर्ड रैम है एंड ना ही इस लैपटॉप में आपको रैम को एक्सपैंड करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एम्प्टी स्लॉट दी गई है। लेकिन यार देखा जाए तो 16 GB की रैम भी काफी होती है, इट इज वे मोर देन सफिशियंट। एंड इसी के साथ में 512 GB की M.2 NVMe SSD है लैपटॉप में एंड इसकी जो स्टोरेज है आप उसे भी एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। सो रैम एंड स्टोरेज बोथ आर नॉट एक्सपेंडेबल ऑफ दिस लैपटॉप। आफ्टर दैट इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड और जो विंडोज 10 एंड MS ऑफिस है वो दोनों आपको प्री इंस्टॉल एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलते हैं, सो इट्स अ ह्यूज प्लस पॉइंट। और जो विंडोज 11 है उसकी अपडेट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर दैट वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.1 दिया गया है, तो कनेक्टिविटी में तो आपको 1% की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एंड ये बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप भी है, सिर्फ 1400 ग्राम वजन है इसका, तो कैरी करने में भी इजी है। अब इसकी बैटरी के बारे में बताता हूँ। देखो अगर हम कंपनी की बात सुने तो अकॉर्डिंग टू कंपनी आपको इसमें 11 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 11 घंटे का बैटरी बैकअप नॉर्मल यूजेज पे बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मान के चलो 7-8 घंटे मैक्सिमम मिलेगा एंड वो भी मुश्किल से। इन सभी फीचर्स के अलावा लैपटॉप के पावर बटन पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा आपको एंड इसमें बैकलिट कीबोर्ड भी है। एंड देखो अगर आपको ये लैपटॉप बढ़िया लगा ना तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन देख के आप और भी ज्यादा खुश होने वाले हो। Lenovo IdeaPad Slim 5। इस लैपटॉप का प्रोसेसर देखो, AMD Ryzen 7 5700U 5th जनरेशन, एकदम लेटेस्ट एंड पावरफुल प्रोसेसर है लैपटॉप में। रियली 60,000 के बजट में आपको Ryzen 7 प्रोसेसर मिल रहा है, एकदम टॉप की डील है, इसे तो आप जरूर कंसीडर करना, हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप। 8 GB की रैम और इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, लाइक ये लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, आपका 80% लैपटॉप सिर्फ 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा। उसके बाद प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड प्लस फिंगरप्रिंट रीडर। Now this is Acer Nitro 5। अब ये लैपटॉप आपके हैवी टास्क, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग इन सभी को एकदम बढ़िया से हैंडल कर लेगा। सबसे पहले इसके एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेगा, 4 GB का NVIDIA GTX 1650 GDDR6। उसके बाद 144Hz रिफ्रेश रेट वाली प्योरली गेमिंग डिस्प्ले है इस लैपटॉप की। आफ्टर दैट 4 जोन RGB बैकलिट कीबोर्ड एंड इसका जो कीबोर्ड है ना वो एक फुल साइज कीबोर्ड है अलॉन्ग विद नंपैड। लैपटॉप में 15.6 इंचेस की एक फुल HD IPS डिस्प्ले है और इसमें i5 का 11 जनरेशन एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है। प्रोसेसर की सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है और इस लैपटॉप की जो रैम एंड स्टोरेज है ये दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। सबसे पहले तो आपको 8 GB की DDR4 रैम मिलती है 3200 MHz की एंड लैपटॉप में रैम के टोटल 2 स्लॉट्स हैं और इसमें आप 32 GB तक रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हो। एंड स्टोरेज की बात करें तो आपको 512 GB की M.2 NVMe SSD दी गई है, लेकिन अगर आप स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हो तो फिर आप इस लैपटॉप में HDD और या फिर SSD इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए। विंडोज 10 प्री इंस्टॉल मिल जाती है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में और जो विंडोज 11 है उसकी अपडेट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जो MS Office 2019 है वो आपको मिलता तो है प्री इंस्टॉल्ड, लेकिन वो 30 डे ट्रायल बेसिस पे मिलेगा, वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेलेबल नहीं है। कनेक्टिविटी एकदम बढ़िया है, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.1 दिया गया है, तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो 60,000 के बजट के अकॉर्डिंग एक लैपटॉप में जो मैक्सिमम मिल सकता है वो सब कुछ आपको इस लैपटॉप में मिल रहा है। एक्सपेंडेबल रैम एंड स्टोरेज, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, बैकलिट कीबोर्ड, 144Hz रिफ्रेश रेट, गेमिंग डिस्प्ले, तो इसे आप जरूर कंसिडर करें एंड इसका जो बेस्ट बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अब कई यूजर्स को सेम स्पेसिफिकेशन में Ryzen प्रोसेसर चाहिए, है ना? Then Acer Aspire 7 is the best option for you guys. AMD Ryzen 5 5500U hexa-core processor और इन दोनों ही लैपटॉप्स में एक प्रोसेसर के अलावा बाकी सारे ऑलमोस्ट सभी स्पेक्स कम्प्लीटली सेम है। जो भी माइनर डिफरेंसेस हैं वो सभी ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तो इन दोनों को भी आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो। देखो यार, दोनों ही लैपटॉप्स एकदम कमाल के ऑप्शंस हैं, सिर्फ प्रोसेसर का फर्क है। जो भी बढ़िया लगे उसे आप बिंदास बाय कर लो। एंड फर्स्ट नंबर पे मैं आपको दो लैपटॉप्स बताऊंगा। इन्हें मैं एक दूसरे का अल्टरनेट ऑप्शन नहीं बोल सकता, इनमें काफी फर्क है, बट अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स हैं अंडर 60,000 रुपीज। पहले बात करते हैं विक्टर्स बाय एचपी की। इस लैपटॉप में आपको फुल साइज डिस्प्ले से भी बड़ी डिस्प्ले दी गई है, 16.1 इंचेस की। फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है इसका। राइजन 5 5600H प्रोसेसर, 5th जनरेशन, 3.3 गीगाहर्ट्ज बेस एंड 4.2 गीगाहर्ट्ज मैक्सिमम क्लॉक स्पीड। 6 कोर्स वाला प्रोसेसर है ये, 12 थ्रेड्स हैं इसमें और 16 MB L3 कैश मेमोरी है। 8GB की रैम है DDR4 3200 MHz की और इसमें आप 32GB तक रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हो। रैम इज एक्सपेंडेबल ऑफ दिस लैपटॉप, एक्स्ट्रा एम टी स्लॉट दी गई है। एंड स्टोरेज की बात करें तो 512GB की M.2 NVMe SSD दी गई है एंड इसकी जो SSD है वो भी एक्सपेंडेबल है। सो रैम प्लस स्टोरेज बोथ आर एक्सपेंडेबल ऑफ दिस लैपटॉप और इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी है, AMD Radeon RX 5500M 4GB। तो आपके जितने भी हैवी ड्यूटी टास्क हैं वो सभी इजीली हैंडल कर लेता लैपटॉप। उसके बाद विंडोज 10 एंड एमएस ऑफिस 2019 बोथ प्री इंस्टॉल्ड विद लाइफ टाइम वैलिडिटी और जो विंडोज 11 है उसकी अपडेट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। कनेक्टिविटी एकदम सबसे बढ़िया इस लैपटॉप की, लेटेस्ट वाईफाई 6 दिया गया है एंड ब्लूटूथ 5.2 है। एंड दिस लैपटॉप कम्स विद बैकलिट कीबोर्ड एंड इट ऑल्सो हैज बिल्ट इन अलेक्सा। सो ऑलमोस्ट हर एक चीज आप इस लैपटॉप पे इजीली कर सकते हो, बी इट गेमिंग एडिटिंग हो गई आपकी और या फिर आपने किसी भी तरह के हैवी सॉफ्टवेयर को यूज करना है, वो सब कुछ इस पे इजीली कर सकते हो आप। एंड दिस इज लिनोवो आइडियापैड स्लिम 5। इस लैपटॉप में आपको 16GB की DDR4 रैम मिलती है 3200 MHz की। ये ऑनबोर्ड रैम है लेकिन इसकी रैम को एक्सपेंड करने का भी ऑप्शन नहीं दिया गया। स्टोरेज एक्सपेंडेबल है लेकिन रैम एक्सपेंडेबल नहीं है इसकी। पहले तो आपको 512GB की M.2 NVMe SSD मिलती है, उसके बाद एक्स्ट्रा एमटी स्लॉट दी गई है तो आप स्टोरेज को एक्सपेंड कर लोगे, बट दी रैम इज नॉट एक्सपेंडेबल। उसके अलावा कुछ मेजर एडिशनल फीचर्स के साथ आता है लैपटॉप, लाइक फिंगरप्रिंट स्कैनर, प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड, फुल साइज कीबोर्ड अलॉन्ग विद नमपैड एंड यह रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 80% लैपटॉप की बैटरी सिर्फ 1 घंटे में चार्ज हो जाती है, ओके? और ये इंटेल प्रोसेसर वाला लैपटॉप है, इंटेल कोर i5 11 जनरेशन प्रोसेसर। इसी के साथ में विंडोज 10 एंड एमएस ऑफिस, ये दोनों चीजें आपको प्री इंस्टॉल मिल जाती हैं एंड इसमें आपको ये दोनों चीजें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलेंगी। एंड बाकी जैसे सभी लैपटॉप्स में विंडोज 11 की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, वैसे आपको इसमें भी विंडोज 11 की अपडेट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एंड जो भी बाकी फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है विक्टर्स जैसे ही। तो देखो, इन दोनों ही लैपटॉप्स में से आपको जो भी लैपटॉप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट लगे उसे आप बाय कर लो। बोथ आर वेरी गुड ऑप्शंस। सो या, दीज आर दी बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 60,000 रुपीज इन 2022। देखो यार, एक तो इन सभी लैपटॉप्स के जो बेस्ट बाइंग लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड ये सभी के सभी लैपटॉप्स एकदम सबसे बड़ी ऑप्शंस हैं। अब आपको लैपटॉप बाय करने से पहले सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को समझना है, उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इनमें से जो भी लैपटॉप एकदम बेस्ट ऑप्शन लगे उसे आप आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। आपको 1% का भी कोई रिग्रेट नहीं होगा। एंड इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट कर दो एंड वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।